नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई ये खबर है। शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव की अधिसूचना जारी थी। बता दें 20 अप्रैल को शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव होंगे, तो सरकार ने प्रशासक नियुक्ति का फैसला वापस लिया है। तो शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद से बीएल मीणा हटा दिए गए। कुछ दिन पहले ही बनाए गए थे बोर्ड के प्रशासक। शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव की अधिसूचना जारी। 20 अप्रैल को शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव होना है। बता दें सरकार ने प्रशासक नियुक्ति का फैसला वापस लिया है। तो शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद से बीएल मीणा हटा दिए गए हैं। और कुछ दिन पहले ही आपको ये बता दें कि बोर्ड के प्रशासक बनाए गए थे बीएल मीणा। सरकार ने प्रशासक नियुक्ति का फैसला वापस ले लिया है, जिसके बाद शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद से हटा दिए गए बीएल मीणा। तो कुछ दिन पहले ही बनाए गए थे बोर्ड के प्रशासक। और सरकार ने फिलहाल ये जो फैसला लिया है उसके बाद यह अधिसूचना जारी हुई है। बता दें 20 अप्रैल को शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव होगा। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 20 अप्रैल तारीख तय की गई है, जब शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव होगा। और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही तारीख का ऐलान हो गया है। आपको यह भी बता दें कि प्रशासक की नियुक्ति का जो फैसला है वो सरकार ने वापसी कर लिया है। बता दें प्रशासक पद से हटा दिए गए हैं बीएल मीणा। कुछ दिन पहले ही उन्हें नियुक्त किया गया था, बोर्ड के प्रशासक बनाए गए थे और अब उन्हें हटा दिया गया है। तो इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर लखनऊ से, यूपीएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बता दें यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों के लिए ये खबर। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा निरस्त हो गई है, तो समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भी परीक्षा निरस्त की गई है। 22 और 23 दिसंबर 2018 को जो परीक्षाएं हुई थी, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा निरस्त की है। 1953 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा हुई थी। तो करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 28 अगस्त 2019 को जारी हुआ था परिणाम। परीक्षा में धांधली की शिकायत पर एसआईटी ने जांच की थी। 20 मार्च 2020 को जारी हुआ था एसआईटी से जांच का आदेश। तो जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों पदों के लिए परीक्षा निरस्त की गई। यूपी ट्रिपल एससी ने वन रक्षक और वन जीव रक्षक के 728 पदों की भर्ती परीक्षा रोकी और 4 अप्रैल को होनी थी वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की परीक्षा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा अगले आदेशों तक रुकी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी की 8 मई को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी अभ्यर्थियों के लिए ये खबर। परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। बता दें किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं हम। जो यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अभ्यर्थी हैं उनके लिए खास ये बड़ी खबर है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा निरस्त हुई है। समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भी परीक्षा निरस्त हुई है। आपको ये भी बता दें 22 और 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा हुई थी।
यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाएं निरस्त की। 1953 पदों के लिए परीक्षाएं हुई थी। करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी, तो 28 अगस्त 2019 को परिणाम जारी हुआ था। परीक्षा में धांधली की शिकायत पर एसआईटी ने जांच की थी और उसके बाद संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरी अपडेट ले लेते हैं। एसके, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है क्योंकि परीक्षाएं निरस्त हो गई। पहले जिस तरीके से परीक्षा हुई, फिर धांधली के बाद ये परीक्षा निरस्त हुई और एसआईटी की जांच कराई गई, इसके बाद अब क्या अपडेट है? बिल्कुल, हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन निश्चित है कि यह बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से 1953 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, उसके अलावा ग्राम अधिकारी, उसके अलावा जो पर्यवेक्षक है समाज कल्याण के, उनसे जुड़ी हुई यह परीक्षा थी। 1953 पद थे जिसका अधिसूचना 2018 में जारी हुई थी, 2019 में पूरी परीक्षा हुई थी और परीक्षा होने के बाद इन अभ्यर्थियों ने पूरे एग्जाम्स दिए थे और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी आ गया था। रिजल्ट आने के बाद इसकी शिकायत हुई कि परीक्षा में धांधली हुई है और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अधिकारियों ने इसमें हेरफेर किया है, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत हुई। 2020 में इस पूरे मामले को एसआईटी को सौंप दिया गया, जिसके बाद अब जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों पदों के लिए 1953 पद ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी अनियमितता के ये परीक्षाएं हों और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले, उस दिशा में कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका जरूर है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 के करीब पदों की इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दो अन्य परीक्षाएं होने वाली थी, जिसमें 4 अप्रैल को थी और दूसरी 8 मई को, दोनों को फिलहाल कोरोना के चलते अंतिम अग्रिम देशों तक स्थगित कर दिया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं ऐसे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है क्योंकि अगर हम देखें तो जो ये ग्राम विकास अधिकारी, साथ ही साथ समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों की परीक्षा जो हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो निश्चित तौर पर उनको एक बड़ा झटका जरूर है क्योंकि जब परीक्षा निरस्त होती है तो कहीं ना कहीं पूरी चयन प्रक्रिया जो एक लंबे समय तक चली, मतलब लगभग 2 साल तक, कहीं ना कहीं वो रुक गई है और जो अपने हम कहें कि अपनी नौकरी का सपना संजोए थे उनका सपना निश्चित तौर पर इस आदेश के बाद टूट गया है, जो कि बड़ी खबर जरूर है। लेकिन अब देखना यह है कि जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर यह परीक्षा निरस्त हुई है, अब उसके दोषियों पर क्या एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होता है यह जरूर महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है, और अगर हम शोध अधिकारी की जो 8 मई को होने वाली परीक्षा वो भी स्थगित कर दी गई, अब आगे अगर हम तारीखों के बारे में सोच रहे हैं तो सरकार की तरफ से, क्योंकि अभ्यर्थी तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, 2 परीक्षाएं और होनी थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, 1 4 अप्रैल को थी, मतलब आपसे करीब हम कहें कि 10 दिन बाद, और दूसरी 8 मई को होनी थी, दोनों को कोरोना गाइडलाइन के चलते अग्रिम आदेशों तक निरस्त कर दिया गया है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नई तिथि जारी नहीं की गई है, उम्मीद है कि जल्द ही स्थितियां सामान्य होने के बाद इन दोनों परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल हम कहें कि जो अभियान चल रहा है लगातार उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर, कहीं ना कहीं मिशन रोजगार को बड़ा झटका जरूर इस परीक्षा के निरस्त होने से लगा है, जिसमें करीब 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सीधे तौर पर शामिल थे और 1953 अभ्यर्थियों का चयन होने साथ आगे भी अपडेट्स लेंगे। और लखनऊ से ही खबर, यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक, बता दे बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी शाम 7 बजे, यूपी मंत्रिमंडल की ये बैठक है, तो कुल 3 बड़ी बैठकें करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 8 बजे कोरोना को लेकर बैठक करेंगे, बैठक में त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था और स्वच्छता पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बड़े अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे, तो सभी मंडल आयुक्त, डीएम, आईजी, डीआईजी और एसपी इसमें शामिल होंगे। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। एसके लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एसके आपसे जान रहे थे, ये बैठक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज 3 बैठकें बैक टू बैक और अहम बैठकें मानी जा रही, काफी चर्चाएं होंगी, खासतौर पर अगर कोरोना को लेकर हम बात करें तो उसको लेकर बड़ी चर्चा होनी है।
बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिजी शेड्यूल है, जहां वो अभी बंगाल के दौरे पर निकल चुके हैं, 3 रैलियां करेंगे और सबसे बड़ी बात है ममता के गढ़ नंदीग्राम में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। करीब 6 से 6:30 के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ वापस उत्तर प्रदेश आएंगे, जिसमें वो 5 कालिदास मार्ग पहुंचेंगे, जिसके बाद बिजी शेड्यूल और शुरू होगा, जिसमें 3 बड़ी बैठकें वो करने वाले हैं, जहां पहली बैठक वो शाम 7 बजे करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ होगी, जिसमें कहीं कहीं कई अहम प्रस्तावों पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे, जो कि शाम 7 बजे होगी। करीब आधा घंटे के अंदर यह बैठक खत्म होनी है और संभवतः इसमें जो मंत्री लखनऊ में होंगे वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे, बाकी के मंत्री टैबलेट या फिर ऑनलाइन तरीके से इस बैठक में जुड़ेंगे। उसके बाद दूसरी बैठक 7:30 बजे होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, उसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे, अपर मुख्य सचिव गृह, साथ ही साथ में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में चूंकि होली के दौरान बड़े पैमाने पर लोग दूसरे प्रदेशों से वापस आ रहे हैं, तो उनको लेकर जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं उनको अमल में लाने के लिए अब तक क्या किया गया, इन बहुत सारी चीजों का फीडबैक लेने वाले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बैठक होगी जो कि 8 बजे होगी, उसमें पूरे प्रदेश भर के सभी आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और यह बड़ा इंटरेक्शन इसलिए भी होगा क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल ही आगरा में एक एसआई की हत्या हुई है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी बैठक कानून व्यवस्था और कोविड को लेकर होगी, जिसमें सभी कमिश्नर, डीएम, कप्तान, आईजी, डीआईजी सभी इसमें इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर दिशा निर्देश देंगे। जी एसके, जिस तरीके से दिशा निर्देशों की बात हो रही, क्योंकि अगर हम उनकी बैठकों को लेकर बात करें, बैठक भी है और उनको बंगाल भी दौरे पर जाना है, इस दौरान लग रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा एक्टिव तो है ही, साथ ही उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी एक्टिव मोड पर डाला, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, क्योंकि आगरा की खबर को लेकर हम बात कर ले, तो सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है, हर चीज को लेकर वो संज्ञान तुरंत लेते हैं, हर चीज को लेकर सख्त निर्देश भी देते। ऐसे में अगर हम जनता को लेकर बात करें, क्योंकि कोविड को लेकर खासतौर पर बात लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और निर्देश भी जारी करते हैं, तो जनता की तरफ से किस तरीके के रुख आ रहे हैं? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक्टिव रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कोई भी बड़ी घटना हो, कोई भी बड़ी योजना हो, परियोजना हो, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए वो स्वयं वो देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके साथ टीम 11 है वो हर 24 घंटे पर जब बैठक होती है तो वो डेटा प्रस्तुत करती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री एक दिन पहले निर्देशित कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जरूर है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि ये चुनावी वर्ष भी है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाए, चाहे कोरोना को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है उसमें तेजी के साथ काम किया जाए। तो निश्चित है कि लोगों में एक खुशी जरूर है कि जहां पहले किसी काम के लिए वो एक लंबा चक्कर लगाते थे अधिकारियों के पास जाकर, कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट होता था, तो अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी चीज को स्वयं देख रहे होते हैं तो निश्चित है कि उसमें तेजी आती है। जब वो गोरखपुर जाते हैं तो स्वयं जनता से इंटरेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक डर जरूर है कि अगर वो किसी काम को नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री तक बात जाने के बाद कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो निश्चित है कि लोगों में भी खुशी है। जहां तक लोगों के फीडबैक का सवाल है, तो IGRS पोर्टल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों को समर्पित किया है, तो अगर किसी की भी कोई समस्या है तो उस पर शिकायत कर सकता है, और शिकायत के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं देखते हैं कि अब तक कितनी शिकायतें हैं, उनके निस्तारण का स्तर क्या है, और अब तक कितने ऐसे लोग हैं जो कि इन शिकायतों के निस्तारण से संतुष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जरूर है कि मुख्यमंत्री हर चीज को स्वयं देखें। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बड़ी खबर, सोनभद्र में गालीबाज इंस्पेक्टर और दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। थाने में बैठकर सरेआम गाली देते नजर आए इंस्पेक्टर और दरोगा, थाने में फरियाद लेकर पहुंचे शख्स के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, फरियादी के साथ बदसलूकी करने का ये वीडियो वायरल हुआ है। जिले के थाना चौपन का ये वीडियो बताया जा रहा है। दरोगा और इंस्पेक्टर, ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गालीबाज इंस्पेक्टर और दरोगा यहां पर बैठे हुए हैं और फरियादी से बात करें, जरा आप भी सुनिए और देखिए जरा ध्यान से कि जिनके पास हम रक्षक समझ के जाते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है। काम आपको करना है, अपने हिसाब से करिए कि जो दोषी है वो
कितना टूट जाते हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सच्चाई जान पाए, उन भ्रष्ट गाली गलौज करने वाले इंस्पेक्टर और दरोगा की सच्चाई। ये वीडियो आपको दर्शा रहा है कि किस तरीके से सोनभद्र में फरियादी गए और उनकी एक भी नहीं सुनी गई, उल्टा उन्हें सुनाया गया। काम आपको करना है, अपने हिसाब से करिए कि जो दोषी है वो संतोष पांडे संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं। संतोष, ये जो वीडियो सामने आया है पुलिस प्रशासन की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में इन दरोगा और इंस्पेक्टर दोनों के ही खिलाफ क्या कोई कदम उठाया गया? जी बताऊ के सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पे करीब एक लॉकडाउन के पहले ये 1.5 साल से यहाँ पे नवीन तिवारी नाम के एक दरोगा जो है कि इंस्पेक्टर तैनात हुए हैं, जो कि जब से यहाँ पे आए हुए हैं चौपन थाने में, ये इनकी लगातार यही रवैया है कि कोई भी फरियादी या महिला हो या पुरुष या बच्चा हो या कुछ भी बूढ़े हो, जब भी लोग जाते हैं ये गाली दे के ही बात करते हैं और उनकी फरियाद सुने बिना ही उनको मार के पहले डंडे मारते हैं, मार के उसके बाद हवालात में बंद करते हैं, फिर इसके बाद फिर उनको बुला के गाली देते हैं और फिर उनकी जो है कि बातें पूरी बातें भी नहीं सुनते हैं। इनकी ये पहले वाकया नहीं है, ये तो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। आप हमारे साथ संतोष बने रहिए, एक बार फिर से हम दर्शकों को ये वीडियो सुनवा देते हैं। और वीडियो में हमने आवाज आपको इसलिए नहीं सुनवाई क्योंकि इतनी गालियां ये दे रहे हैं कि आपको शायद हम ना सुनवा पाए, क्योंकि फरियादी जब फरियाद लेकर गए इन इंस्पेक्टर और दरोगा ने उनकी फरियाद तो नहीं सुनी, उल्टा उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। आप जरा सुनिए। काम आपको करना है, अपने हिसाब से करिए कि जो दोषी है वो तो ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं और ये आवाज सुनवा रहे हैं। हालांकि जितनी गालियां दी गई है इनको देखकर साफ लगता है कितने भ्रष्ट हो चुके हैं ये पुलिस कर्मी। तो हमारे साथ लगातार संतोष बने हुए। संतोष, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं इन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि लोगों की मदद की जाए, उनकी तरफ से खुली छूट दी जाती है कि लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जाए, उस छूट की कहीं ना कहीं ये दरोगा और इंस्पेक्टर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ फरियादी आते हैं टूटे हुए कि उनकी जो फरियाद सुनी जाएगी कोई हल निकलेगा, लेकिन उल्टा जब उन्हें ऐसे निराश करके भेज दिया जाता है तो आखिर क्या क्या किया जाएगा, कहां जाएंगे वो? जी मैं बता दूं कि इनके ये इनकी कई बार जो है कि यहाँ के जिले के कप्तान अमरेंद्र प्रसाद सिंह से शिकायत की गई, एडीजी साहब से शिकायत की गई, लेकिन इनका जो है कि कुछ सूत्रों की अगर माने तो ये विशेष पावर लेके आए हुए हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पहले 2 बार जो है कि इन्होंने रावल सिंह कोतवाली में कोतवाल रहा करते थे, उस समय इनके जमाने में लगातार चोरियां हुआ करती थी जिसके वजह से ये 2 बार सस्पेंड भी हुए और फिर पुलिस लाइन में अटैच हुए और फिर इनको थाना मिल गया। संतोष, क्या कोई बड़े अधिकारी से बात हुई है? जी मैं बता दूं कि इनके लिए जो है कि एडीजी साहब वाराणसी से भी बात हुई थी और जिले के कप्तान साहब से जो है कि सोनभद्र अमृत प्रसाद सिंह से भी बात हुई थी और उन्होंने बोला कि मैं ठीक है जांच करवा रहा हूँ, जांच के बाद जो भी होगा होगा। एसपी का क्या कहना है इस बात में? जी एसपी साहब का कहना है कि मुझे वीडियो प्राप्त हो गई है, मैं उसको दिखवा रहा हूँ और जो भी होगा उसके खिलाफ जो है कि कार्रवाई करेंगे। कब कहा था उन्होंने, कितने दिन हो गए, कितना वक्त हो गया, क्योंकि कार्रवाई तो तुरंत हो जानी चाहिए थी ऐसे पुलिस कर्मियों को लेकर? जी ये करीब 2 दिन पहले की वाकया है मैम, के ये वीडियो तो करीब 1 हफ्ता पहले से ही वायरल हो रहा है, लेकिन वो 2 दिन पहले परसों रोज की बात है कि जब कप्तान साहब से कुछ लोगों ने बात किया तो उन्होंने जो है कि कार्रवाई करने के लिए बोले कि अभी हम जांच करवा रहे हैं, जांच करवाने के बाद जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। संतोष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो फरियादी के साथ बदसलूकी का ये वीडियो हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सच्चाई जान सके उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों का, क्योंकि गालीबाज इंस्पेक्टर और दरोगा यहाँ पर देखे किस तरीके से व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, एक हफ्ते से करीब ये वीडियो वायरल हो रहा है। दो दिन पहले SP अमरेंद्र सिंह से भी शिकायत की गई, उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है। दो दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई का रिजल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। एक हफ्ता हो गया वीडियो वायरल होते हुए, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब जब संज्ञान लिया गया तो कार्रवाई की बात कही गई लेकिन कार्रवाई के कोई नतीजे नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अगर आम जनता इन प्रशासनिक अधिकारियों अफसरों के पास जब जाएगी, सोचेगी कि हमारे रक्षक है, लेकिन जब यही भगा देंगे गाली देकर तो आखिर वो किसका सहारा लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सोनभद्र से SP अमरेंद्र सिंह खुद जुड़ गए हैं। अमरेंद्र जी, आपसे जानेंगे, ये वीडियो एक हफ्ते पहले से वायरल हो रहा है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दो हफ्ते पहले आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा कार्रवाई चल रही है, लेकिन दो हफ्ते बाद भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं दिख रहा है। किस वीडियो की बात हो रही है? नमस्कार जी, किस वीडियो की बात की जा रही है? हेलो जी अमरेंद्र जी। हेलो अमरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? आवाज कट के आ रही है, किस वीडियो की बात है? अमरेंद्र जी, आपको अब मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, किस वीडियो की बात की जा रही है? अमरेंद्र, जिस वीडियो में दरोगा और इंस्पेक्टर जो है फरियादियों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं और इतनी गालियां दे रहे हैं कि आवाज हमें म्यूट करनी पड़ी है। फरियादी अपनी शिकायत लेकर जाते हैं अमरेंद्र जी, और ऐसे में उनको गाली गलौज करके भगा दिया जाता है, उनकी शिकायतें भी नहीं सुनी जाती हैं। ये वीडियो एक हफ्ते से वायरल हो रहा है। हाँ, ये वीडियो देखा गया है कि जांच मैंने क्षेत्राधिकारी को दी है और उसमें सब इंस्पेक्टर जो दिख रहे हैं उनको मैंने वहां से हटा भी दिया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। थैंक यू। अमरेंद्र जी, ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये फरियादी जब जाते हैं तो ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ SP अमरेंद्र सिंह जी जुड़े होते हैं, उनसे हमने जब सवाल किया कार्रवाई को लेकर तो उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि SI को हमने हटा दिया है, और जब अगला सवाल सुनने की बारी आई तो उन्होंने सुना नहीं, फोन काट दिया, जगह से सिर्फ हटाया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। जगह से हटाने का मतलब यह है दूसरी जगह भेज दिए जाएंगे और दूसरी जगह इसी तरह से गाली गलौज करेंगे। क्या यही इस तरीके से न्याय मिलेगा फरियादियों को? आखिर प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं सुनते, सवालों का जवाब देने का दम क्यों नहीं रखते? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देना इनका कर्तव्य बनता है। तो वर्दी मिल जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी पर दबाव बनाने लग जाए, आप किसी पर खौफ अपना बना दें, क्योंकि वर्दी का मतलब ये होता है कि लोगों को एक उम्मीद रहती है आपसे, आप रक्षक होते हैं उनके। ऐसे में जो वर्दी आपको दी गई है आप अपना फर्ज निभाएं, लेकिन फर्ज निभाने की जगह जब आप ऐसे दबाव अपना खौफ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ खुद हमने आपको सुनवाया कि SP अमरेंद्र सिंह का क्या कहना है, जगह से हटा दिया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कार्रवाई के कोई निष्कर्ष तो दिख ही नहीं रहे। और यही कारण है कि जनता पुलिस के पास जाने से पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि ऐसे में उन्हें यह लगता है कि न जाने उन्हें न्याय मिलेगा कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं हो जाती है, 10 चक्कर लगाते हैं थानों के लेकिन तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और कई बार इस तरीके की जो वीडियो है आ रही है ऐसी भी बातें सामने आती है कि पुलिसकर्मी बैठा कर गाली देते हैं और वहां से उन्हें भगा देते हैं, उनकी फरियाद तक नहीं सुनी जाती। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।